हरीश भैया गुड मॉर्निंग। हरीश भैया, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपके यहाँ हम लोग वीडियो बना रहे थे, तो आपके यहाँ क्या क्या है सैनिटरी में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और कस्टमर के लिए क्या क्या न्यू वैरायटी है? देखिए, हमारे पास में टाइल्स आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में मेरे हिसाब से जो भी आइटम आपको लगने का है, जैसे स्टार्टिंग में आपको पुट्टी लगता है, प्राइमर लगता है, कलर लगता है, वो है। उसके बाद में टाइल्स लगता है, वो आइटम भी है। इसके बाद में फिर ग्रेनाइट लगता है, वो भी है। उसके बाद में सैनिटरी का आइटम आपको कम्बोर्ड, नल, वो सारा आइटम है। और जो भी चीज़ अपने पास में है वो सारी ब्रांडेड है, नॉन ब्रांड कुछ भी नहीं है। हरीश भैया, ब्रांड में क्या क्या है? ब्रांड में अपने पास में सीपी सैनिटरी में जो है वो आरके और इनवेस्ट, दो ब्रांड है, दोनों रेपुटेड ब्रांड है, अच्छे ब्रांड है। और टाइल्स में अपने पास में आरके है, एक्जारो है और एक लो रेट का क्यूमेक्स है। वो तीनों ब्रांड भी रेपुटेड ब्रांड है, वो भी लो ग्रेड का ब्रांड है। और इसके बाद में कुछ कुछ एक्स्ट्रा आइटम जैसे भगवान की सीनरी वगैरह, फोटो वगैरह, वो है। और कुछ फैंसी आइटम जैसे LED मिरर वगैरह हो गए, या फिर कुचिना का अपने पास में चिमनी है किचन के लिए। और पेंट अभी हमने नया नया स्टार्ट किया है, एशियन का पेंट है। और हरीश भाई, ये आपका गणेश जी देख रहे थे, ये जो गणेश जी आपके राइट साइड में है, ये गणेश जी जलता है या फिर कैसे? ये शोपीस मान सकते हैं इसको आप। मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ कुछ फैंसी आइटम अपने पास में है, तो एक आइटम ये भी आता है फैंसी आइटम में, एलईडी मिरर वगैरह है। और भी बहुत सारे आइटम है जो आपको अदर दुकान में थोड़ी सी मतलब मुश्किल है मिलना। और एक बहुत बढ़िया आइटम आप दिखा रहे थे एग्जॉस्ट में, जो सेंसर से चलता है, वो जो हाथ हिलाओ, वो क्या क्या आइटम, थोड़ा उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। ये अपने पास में एलिसा का चिमनी, ये क्या है कि फुल्ली सेंसर प्रूफ है, इसमें क्या है टच करने का दरकार नहीं है। अभी तक जितनी भी चिमनी आई है सारी टच स्क्रीन वाली है, लेकिन इसमें टच करने का आपको दरकार नहीं है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अपना ये है कि अपनी जो डिलीवरी है, ये दो डिलीवरी शुरुआत से ही हम लोग आज 5 साल से काम कर रहे थे में, तो दो डिलीवरी का सिस्टम जो है हम लोग का शुरू से ही चलता है। और न उसमें कोई लेबर कॉस्टिंग है, न ट्रांसपोर्टिंग है, आपको कोई भी चार्जेस वगैरह है वो नहीं लगेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर धंधे में जो बिजनेस में आती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर मान लीजिए आपके यहाँ से कोई टाइल्स लिया गया और कस्टमर का घट गया, तो आपके पास माल नहीं है, तो कस्टमर उस समय क्या करेगा? वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कहाँ से उसको मैनेज करके दूंगा। लेकिन आज तक 5 ईयर्स के अंदर में हमको नहीं लगता है कि कोई कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। दैट्स ट्रू, हरीश भैया।